कदर औलाद कैसी हो जाती है। अरे हम लोग अच्छे लोग नहीं है, हम लोगों ने मां बाप को पहचाना नहीं है। अगर हम मां बाप को पहचानते तो आज मुसलमानों के ममालिक में ओल्ड हाउस नहीं होते। बूढ़े मां बाप वहां पर अपने औलादों को देखने के लिए तरसते नहीं, आज बूढ़े मां बाप तरसते शादियां करवा देते कि औलाद अलग हो जाए, मगर ये शादी के बाद बीवी बच्चों की मोहब्बत में इतनी गुम हो जाती है कि इसको मां बाप की कदरों मंजिलत नहीं रहती। मां बाप का अदब एहतराम बाकी नहीं रहती, इनकी खुशियां बाकी नहीं रहती। कभी कोई चीज मां बाप के लिए ले भी नहीं जाते कि अब्बा ये आपके लिए लाया हूं, खुश हो जाओ। बाप को जो चीज पसंद थी कभी कभी भूल कर तो सुबह या दोपहर या रात में ले जाओ। अब्बा पूछे बेटा कैसे है, अब्बा जान ये मैं बाजार से निकला था, मैंने देखा आपको बहुत पसंद है, मैं आपके लिए लाया हूं, और आओ दोनों मिलकर बैठ कर खाते हैं। कभी हुआ है ऐसा? बाप जब निकलता था तो आपकी पसंद का फल लाता था कि मेरे बेटे को आम पसंद है, नहीं नहीं मेरे बेटे को केला पसंद नहीं, मेरे बेटे को सेब पसंद है। आज मां बाप के आगे ठंडा खाना रख देते हो और मां बाप उस दिन को याद करो जो बेटा कहता था मम्मी आज कढ़ाई खाने का जी चाह रहा है, मां की तबीयत ठीक हो या ना तुम कढ़ाई पका कर खिलाती थी होटल थी, वो मां है को बावर्ची नहीं थी, नहीं हमें ये पसंद नहीं है, मैंने आज अंडा खाना है, इसके लिए ये अंडा बनाया है, मेरे लिए वो अंडा बना कर दो, तुम्हें दो दो किस्म के अंडे बनाकर तुम्हारी मां खिलाती थी। आज तू घर का सामान लाते हो तो बीवी बच्चों के लिए छुपा कर लाते हो, मां बाप देख ना ले कि मां बाप ये सामान देखेंगे तो कहेंगे बेटा कहां से लायो। अरे ऐसा सुलूक तो मत करो मां बाप के साथ, तुम्हारे मां बाप है, इनसे मोहब्बत करना सीखो, इनसे प्यार करना सीखो। तुम्हारी एक चीख की पुकार सुनकर मां बाप का दिल दहल जाता था, दौड़ते हुए भागते थे। आज बूढ़ी मां बिस्तर से गिरकर उल्टी पड़ी हुई है, तुमको उठाने की फुर्सत नहीं है।